हाय फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एफ एल स्टूडियो को कैसे बाय किया जाए ऑन ईएमआई ठीक है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं अगर आपको बिना ईएमआई के बाय करना है तो सिंपल है आप uh, सबसे पहला जो है आपके पास ऑप्शन आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से बाय कर सकते हैं सेकेंड जो आपके पास ऑप्शन है अगर हम एफ स्टूडियो की uh, वेबसाइट पर जाते हैं और नीचे डाउन डिस्ट्रीब्यूटर एंड रि, रिसलर पर जाते हैं हम उस पर क्लिक करते हैं और यहां पे अगर हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहां पे सुदीप ऑडियो डॉट कॉम का जो है वो हमें बताते हैं ये अब हम इनकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो सिंपल अगर आपको ई एम आई पे बाय करना है तो सुदीप ऑडियो जो है वो हमें ई एम आई का ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं आप इनसे जाके ई एम आई पे बाय कर सकते हैं मैंने भी ई एम आई पे बाय किया अब जो है उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह वो बैंक टू बैंक और आप कितने महीने की ई एम आई बनवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है अब आइए हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैंने सुधीप ऑडियो से इसको बाय किया हुआ है तो आइए अब हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जब मैंने इसको बाय किया था तो सुदीप ऑडियो ने मेरे को हैंड टू हैंड पेमेंट डिटेल्स मतलब पेमेंट कन्फर्मेशन की मेल भेज दी थी और थोड़ी देर बाद मतलब तीन से चार घंटे बाद उन्होंने मेरे को इसकी जो है प्रोडक्ट सीरियल की वो मेरे को सेंड कर दिया था जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बलर है तो जब आप बाय करेंगे तो आपको भी क्या नाम है आपको मेल आएगी और उसके अंदर आपको की मिल जाएगी तो आइए अब हम एफ एल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और इसको अनलॉक कर लेते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं आ, यहाँ पे अपना एफ एल स्टूडियो ओपन हो गया मैंने किया क्या सिंपल उसको उसकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लिया है और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी बार क्या होगा आ, आपको पॉपअप आ जाएगा अनलॉक करने के लिए जब आप इसको ओपन करेंगे अदरवाइज जैसे मेरे में नहीं आया तो मैं सिंपल क्या करूंगा हेल्प में जाऊंगा और अनलॉक माई एफ एल स्टूडियो इस पर जाके मैं क्लिक कर दूंगा और जो मेरे को मेल आया है उस वाले सीरियल की को मैं इसको कॉपी कर लूंगा और इसके अंदर जाके रिडीम कोड पे पेस्ट कर दूंगा अब ये जो है मेरे को अपनी मतलब जो एफ स्टूडियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले गया है तो सिंपल ये मेरे से पूछ रहा है डिव्यू एवन इमेज लाइन अकाउंट तो मेरे पास नहीं है तो नो मैं कर नो तो मैं नो करके आया मैं न्यू कस्टमर अब मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा नेक्स्ट अब ये यहाँ पे मेरे से डिटेल मांग रहा है मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ अभी हमसे और पूछ रहा है कि आप क्या नाम है सिक्सटीन से अव हैं कि नहीं है और टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक कर लेते हैं हम सारी और आई एम नॉट अ रोबोट अब मैं नेक्स्ट कर देता हूं अब ये यहां पे जो हमारे पास जो मेल में जो सीरियल की आई थी उसी को मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं वही मांग रहा है तो इसने जो अब कन्फर्म कर दिया कि आपका प्रोड्यूसर वर्जन है तो मैंने प्रोड्यूसर वर्जन ही बाई किया था अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो जैसे इसने अब फिनिश कर दिया इसने ये बताया कि हमने आपका जो है आपने जो ईमेल आईडी जो दी थी वो हमने क्रिएट कर दी है अब आपको सिंपल करना क्या है आप अगर जैसे मैंने जो प्रोसेस किया था मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था एफएल स्टूडियो तो मेरे में तो इंस्टॉल्ड है बट ये बोल रहा है कि आपको करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना अगर आपने किया हुआ तो कोई जरूरत नहीं है सिंपल आपको करना क्या है दोबारा एफ एल पे जाना है अब और ये जो विंडो है अगर ये आपने क्लोज कर दी तो आपको सिंपल हेल्प में जाके अनलॉक माई एफ स्टूडियो यहाँ पे जाके क्या करना है वो आपको अपनी ई मेल और पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपको डाल देना है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कन्फर्मेशन दे दिया था लाइसेंस वॉज इंस्टॉल्ड एफ स्टूडियो विल रिस्टार्ट मतलब ये रिस्टार्ट हो जाएगा और ये पूछ रहा है अगर कोई आपका प्रोजेक्ट हो तो उसको सेव करने के नहीं तो मेरा कोई प्रोजेक्ट तो है ही नहीं तो मैं इसको नो कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं तो ये जो है मेरा एफ एल स्टूडियो अनलॉक हो गया तो अब मैं इसके अगर अबाउट में जाके चेक करूँ तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे नाम पर ही ये रजिस्टर्ड है और ये जो है अनलॉक हो चुका है बिल्कुल तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अब इस चैनल के ऊपर आपको एफ के एबल टन के लॉजिक के तीनों के ट्यूटोरियल आपको मिलने वाले हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को और अगर आपकी कोई क्वायरी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं